थाना शेरगढ़ में अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा शोभा यात्रा में उपद्रव कर माहौल खराब किया गया था, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया और एसएसपी से कठोर कार्यवाही की मांग की। थाना शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सियारा में ठाकुर परिवार के दबंग युवकों द्वारा अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा पर पथराव करने और शोभा यात्रा में शामिल आधा दर्जन लोगों के घायल होने के मामले में इलाका पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री एमएस पाल एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर संपूर्ण मामले से अवगत कराते हुए कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान हुई बातचीत में प्रदेश महामंत्री एमएस पाल ने बताया, प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मुलाकात कर इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। आज एक घटना थी श्यारे गांव की, तो कुछ अराजक तत्व थे। 31 तारीख को मातेश्वर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का वो शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उसमें कुछ अराजक तत्व थे और कुछ समाज के लोगों ने परमिशन भी नहीं लिया था, तो अराजक तत्वों ने समाज के लोगों में डांटी डंडों से जो बाहर कर दिया, तो वो पुलिस के संज्ञान में जैसे मामला आया तो पुलिस ने उस पर तत्काल एक्शन लिया और दोनों जो पक्ष थे, कुछ जो है अलग समाज से थे और कुछ जो है धनगर समाज के लोग थे, तो एसएसपी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है जो दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती मनाई जा रही थी गाँव सियारा में थाना शेरगढ़ में, तो जब भी जयंती मनाई जा रही थी धनगर समाज के लोग जयंती मना रहे थे, उसी समय ठाकुर जाति के उपद्रवी लोग जो जयचंद की औलाद हो सकते हैं उन्होंने जयंती अहिल्याबाई होलकर जयंती को नहीं मनाने दिया गया और ईंट पत्थर और राइफल और कट्टों से उन पर सीधे वार किया गया और उनके कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा लोग चोटिल हुए, अभी भी दो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और पुलिस प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। धनगर जाति के लोगों को ही दबिश दी जा रही है, पकड़ा जा रहा है और ठाकुर जाति के लोग घर पर ही बैठे हुए हैं और रात को महिलाएं बताती हैं, फ़ोन वगैरह आते हैं, लोग बता रहे हैं सियारे के लोग जो हैं अभी 8 दिन हो गए हैं अभी ये घर में नहीं घुसे हैं। जिन लोगों ने पथराव किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है लेकिन बहुत ही दबाव के साथ हो रही है, लेकिन वो घूम रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत दबिश दी जा रही है, इसीलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इनको सुरक्षा मुहिम कराई जाए।